नमस्कार, मैं बीनू राय एक बार फिर स्वागत करती हूँ अपने चैनल बीनू राय फैमिली में। तो जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि सर्दियों की सीरीज चल रही है वीडियो में, तो उसी सीरीज में आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे काढ़े के बारे में जो आप चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, आपको कभी भी लगता है कि आपकी बॉडी बहुत जो है टायर्ड है या फिर आप बहुत लेजी फील कर रहे हैं, कोल्ड हुआ है, हेडेक है, कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप एक बार उसे बना के पियेंगे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा और बहुत अच्छा भी लगेगा। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी अभी आपको रेसिपी। इंट्रो वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ, फिर बाद में आप लोग कहते हो कि फेस के साथ वीडियो बनाया करो, इसलिए जो है तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कैसे बनाते हैं काढ़ा। और यकीन मानिए एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। मैं वही चीज़ें बताती हूँ जो मैं अपनी डेली रूटीन में करती हूँ, तो चलिए देख लेते हैं और फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखिए चैनल, सब्सक्राइब करिए और जो है रेसिपी देख के ट्राई करिए और फिर बताइए मुझे कि कैसी लगी रेसिपी। धन्यवाद। तो शाम के 5 बज रहे हैं और मैं बनाने जा रही हूँ काढ़ा। मेरा जो है गला बहुत ख़राब है, जैसा कि शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत आवाज़ से पता चल रहा होगा। और इतनी अच्छी ये रेसिपी है काढ़े की कि आप यकीन मानिए सर्दियों में अगर डेली शाम को पियेंगे तो आपको कितनी भी सुबह शाम दिन में भी जब मन करे पी सकते हैं। मतलब इतनी अच्छी रेसिपी है, मेरे कहने का मतलब कि आपको कितना भी कोल्ड है, बॉडी फीवर जैसा लग रहा है, फीवरिश फील होता है ठंडियों में अक्सर, सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और तुरंत एनर्जी देने वाला है। तो चलिए मैं बता दूँ आपको रेसिपी और साथ के साथ मैं बना के खुद भी पी लूँ। तो सबसे पहले हमें भगोना लिया है मैंने, उसमें ये 1 कप पानी है। एक कप पानी नाप के इसलिए क्योंकि इसको जला के हमें आधा करना है। अब हम गैस ऑन कर दे रहे हैं। उसके बाद क्या क्या चाहिए हमें पहले वो मैं बता दूँ आपको। ये है तुलसी पत्ता, आपको फ्रेश मिल जाए तो बहुत अच्छा है, बट ये मैंने छाए में ड्राई कर लिया है। उसके बाद ये है गुड़, इसमें आप गुड़ डाल सकते हैं, हनी डाल सकते हैं या फिर चीनी, अगर आपको ये दोनों नहीं अच्छा लगता है तो आपके चीनी डाल के पी सकते हैं शुगर, बट गुड़ या हनी ज़्यादा बेटर होता है। उसके बाद ये लौंग है, इलायची, अदरक, तेज पत्ता और ये बहुत छोट एक पिंच जैसी चाय की पत्ती मैं डालूँगी। चलिए देख लेते हैं मैं डालती क्या क्या हूँ और कैसे कैसे। पहले पानी उबलने देंगे, मैं भी भूल जा रही हूँ, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है इसलिए शायद। पहले पानी उबलेगा फिर मैं ये सब डालूँगी। तो 5 मिनट में पानी उबलने तक मैं वेट करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। पानी उबल गया है, आप देख सकते हैं उबल रहा है। अब इसमें हम सबसे पहले डालेंगे बहुत बहुत कम, आधे टी स्पून चाय की पत्ती। इसके बाद इसको हम सिम पे कर देंगे। लौंग डाल देंगे, इलायची डाल देंगे, अदरक, तेज पत्ता, सब अभी हम इसमें डाल देंगे। ये है तुलसी पत्ता, थोड़े से 5-6 पत्ते तुलसी के, 1 कप के हिसाब से मैं बता रही हूँ, आप फिर जितना जो है पी सकते हैं। और अगर आप गुड़ डाल रहे हैं तो अभी साथ के साथ डाल दीजिए, और अगर आप शहद डाल के बना रहे हैं तो जब कप में छान लें फिर शहद मिलाएं, और अगर आप चीनी डाल रहे हैं तो जब उबल जाए तब मिलाएं। तो अब हम इसको पकने देंगे जब तक कि ये आधी कप ना हो जाए, तो फिर मिलती हूँ मैं इसको जब आधा कप हो जाएगा। बहुत इसका पकने का ही ज़्यादा वो है, जब ये बढ़िया से आधा कप हो जाएगा देख के अंदाजे से, उसके बाद मैं इसको ढक दूँगी 5 मिनट के लिए गैस ऑफ करके, और फिर 5 मिनट बाद फिर हम इसको पियेंगे। तो चलिए इसको पकने देते हैं आराम से, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो अब काढ़ा मेरा पक गया है, आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया से। अब इसको हम गैस ऑफ कर देंगे और ढक देंगे कम से कम 5 मिनट, ऐसे 5 मिनट तक गैस ऑफ करके काढ़ा बनने के बाद ढक देंगे। 5 मिनट के बाद फिर हम ये ढक्कन खोलेंगे, तब तक जितना भी इसमें हमने हर्ब्स डाले हैं जो भी, वो सारे पानी में और उतर जाएंगे। फिर मैं इसको छान लूँगी कप में, क्योंकि वो 1 कप का पानी इसमें 1 कप चाय काढ़ा मेरा तैयार होता है, क्योंकि मैं हमेशा पीती हूँ तो मुझे इतना आइडिया है। और मेरा तो मैं गर्मी और सर्दी इवनिंग में मैं यही पीती हूँ, मॉर्निंग में मुझे एक बार टी चाहिए होती है,
दूध वाली, उसके भी ना जो है मेरा दिन पूरा नहीं हो सकता। ब्रेकफास्ट के बाद मैं एक बार ज़रूर एक कप टी पीती हूँ दूध के साथ, अदरक वाली, बट बाकी टाइम जितनी बार मुझे पीना होता है मैं यही पीती हूँ। बहुत फ़ायदेमंद है, एक बार ज़रूर ट्राई करिए आप। फिर मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।